आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम डोडा गठ रोड पे आए हुए हैं और डोडा गठ रोड पे मैग्नमाइजेशन होना जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये डोडा गठ रोड है और इस पे मैग्नमाइजेशन होना जो है वो शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आरएमडी डिपार्टमेंट के द्वारा कि यहाँ पर जो है मैग्नमाइजेशन होगी, क्योंकि काफ़ी सालों से ये रास्ता जो था वीरान था, इस रास्ते की बहुत बुरी हालत थी। लेकिन एट द एंड ऐसा एक टाइम आ गया कि इस पे जो है मैग्नमाइजेशन होना शुरू हो गया। लेकिन अब मैग्नमाइजेशन किस तरह की यहाँ पर हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर कुछ ही दिनों में इस मैग्नमाइजेशन का आखिर हाल क्या है। तो आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये मैग्नमाइजेशन हो रही है, यानी अभी हफ्ता भी नहीं हुआ इस मैग्नमाइजेशन को यहाँ पर हुए और इस पे जो है खड्डा, मतलब खड्डे होना जो है शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे खड्डे जो है इस रास्ते पे यहाँ पर हो चुके हैं। और उसके अलावा बात करें इस डोडा गठ रोड की, तो बहुत सारे खड्डे शुरुआत में ही अभी इसको यहाँ पर पड़ना जो है वो शुरू हो चुका है। उसके अलावा बात करें इस एरिया को लेके, तो आप देख सकते हैं वजह किस क्या है आखिर ये खड्डे यहाँ पर होने की, कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर जो है बारिश हुई और बारिश का जितना भी पानी था वो सारा इस रोड पे जो है आज आ गया, क्योंकि जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं बनाया गया। और बात करें इसकी, जो प्रोटेक्शन वाल है प्रॉपर यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर खड्डे पड़ना शुरू हो गया। और उसके अलावा बात करें हम मैग्नमाइजेशन को लेके, तो शुरुआत की अगर हम बात करें तो पहले जो है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए और उसके बाद एक प्रोटेक्शन वाल यहाँ पर होनी चाहिए, जिसकी वजह से जितना भी पानी बारिश का होगा वो प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा जो है यहाँ से आगे चला जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल टेढ़ा काम कर रही है, पहले मैग्नमाइजेशन यहाँ पर शुरू कर दिया और उसके बाद कहने में, मतलब डिपार्टमेंट कह रही है कि उसके बाद यहाँ पर अब जो है यहाँ पर एक तो इसकी ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाया जाएगा और उसके अलावा जो प्रोटेक्शन वाल होगी वो बताई जाएगी। तो उसके अलावा हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो मैग्नमाइजेशन हो रही है और जो खड्डे अभी यहाँ पर स्टार्टिंग में पड़ रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। सर, आपका नाम? मुदस्सर वानी। मुदस्सर जी, क्या कहना चाहोगे आप जो अभी मैग्नमाइजेशन डोडा गठ रोड पे हो रही है? मैग्नमाइजेशन तो स्टार्ट हो गई थी, तो उसके शायद फौरन बाद ही बारिश जो पड़ी तो उसकी वजह से थोड़ी सी कंडीशन इसकी ख़राब हुई है। बट डिपार्टमेंट के साथ जब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी जो है पूरी आपको जो है शिकायत का मौका नहीं देंगे, इसको जो है पूरा हम ठीक करके ही यहाँ से हटेंगे। लेकिन क्या वजह रहती है कि आखिर कुछ ही दिन हुए यहाँ पर मैग्नमाइजेशन हुए और जो है खड्डे पड़ना यहाँ भी, आगे भी, और इसके आगे भी जो है यहाँ पर जो है खड्डा पड़ना शुरू हो चुके हैं? मैग्नमाइजेशन स्टार्ट जब हुई थी तो शायद उसके अगले दिन ही बारिश जो पड़ी, तो डिपार्टमेंट का यही कहना है कि जो बारिश हुई अगले दिन ही, तो शायद 2-3 दिन बारिश कंटिन्यू रही तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा इसमें दिक्कत पड़ गई। तो लेकिन जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जब ये इसका जो है काम ख़त्म होने पर आएगा तो उससे मतलब कुछ दिन पहले ही जो है इसको ठीक करने की हम पूरी पूरी यहाँ पर कोशिश करेंगे, तो तब तक हटेंगे नहीं यहाँ से, नहीं हटेंगे। लेकिन वजह क्या रहती है? आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर जो होना चाहिए था प्रॉपर वो भी बनाया नहीं गया। ड्रेनेज सिस्टम के लिए उनसे बात की गई थी, उन्होंने कहा था इसका अलग से टेंडर होना है, तो उसके लिए भी जो है अलग से जब टेंडरिंग होगी तो उसके बाद ही ड्रेनेज सिस्टम को। बाकी यहाँ का अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा हमारा स्लाइडिंग जोन है, यहाँ से पूरा यहाँ से डोडा नाले से लेकर घर तक स्लाइडिंग जोन है। अगर इसमें प्लांटेशन है, इसमें जो है हम डीसी साहब को यहाँ से, मतलब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस पूरे एरिया में अगर प्लांटेशन की जाए, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, अगर इसमें प्लांटेशन की जाए तो ये जो स्लाइडिंग जोन है ये थोड़ा सा रुक जाएगा, क्योंकि जब तक ये चलता रहेगा तो रोड का जो है आप ब्लैक टॉप छोड़ के इस पर मार्बल भी लगा लो कोई फायदा ही नहीं है। आपसे मैं और भी चीज़ें जानना चाहूँगा कि शुरुआत में यह ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए था या प्रॉपर यहाँ पर मैग्नमाइजेशन शुरू में होनी चाहिए? ड्रेनेज ही बननी चाहिए थी पहले, क्योंकि जो प्रॉपर इसका सिस्टम होता है पहले ड्रेनेज बनती है बाद में मैग्नमाइजेशन होती है। लेकिन लोग इतने परेशान थे रोड से कि वो कह रहे थे कि कुछ तो हो इस पे, तब जाके यहाँ पे मैग्नमाइजेशन स्टार्ट हुई है। लेकिन अब ड्रेनेज के लिए जब इनसे बात की गई थी तो उन्होंने कहा था इसके लिए अलग से जो है इसका टेंडर इसका टेंडर बाद में निकाला जाएगा, तो उसके बाद में अब रोड की क्या खस्ता हालत उस टाइम पे होनी है तो वो अल्लाह जानता है। तो हम भी कह रहे हैं कि अगर जब बाद में ड्रेनेज का काम यहाँ पर लगेगा उसके बाद रोड फिर भी खराब हो जाएगी यहाँ पर, मेंटेनेंस के लिए उनसे कहा जाएगा कि उस वक्त रोड को भी मेंटेन करते रहे और ड्रेनेज, क्योंकि देखो अगर ड्रेन नहीं बनी तो ये वैसे ही खराब हो जाएगी, लेकिन अगर ड्रेन बनती है तो उसके साथ साथ उन्होंने रोड का भी ध्यान रखना है कि रोड भी हमारी खराब ना हो, क्योंकि मिन्नतों से जो है ये रोड बनी हुई है तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी वजह से खराब हो जाए। तो उसके अलावा कोई आपका मैसेज डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट्स को हम यही कहेंगे कि अगर मतलब बरसों के बाद देखा महबूब दिलरुबा सा, अगर कोई महबूब आया है हमारे लिए तो हम चाहेंगे कि उसकी जो है
साथ साथ जो है इसको आगे मतलब वक्त के साथ साथ इसकी मरम्मत भी करते रहें और ड्रेनेज सिस्टम भी। और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये कहेंगे कि अगर इस ये पूरा जो है फॉरेस्ट एरिया है, अगर इसमें जो है प्लांटेशन की जाए, चाहे वो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो ये जो मिट्टी जो है ये थमेगी थोड़ी सी, अदरवाइज ये अगर चलती रही बहती रही तो इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि क्या कहना था लोगों का कि यहाँ पर जो मैग्नेटाइजेशन हो रही है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन वो अभी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिला। और उसके अलावा बात करें मैग्नेटाइजेशन की, तो जो पोर्ट्स यहाँ पर बनना शुरू हो गया है वो भी कमी कहीं ना कहीं दिखने पर यहाँ पर आ रही है, लेकिन हम भी उम्मीद कर सकते हैं डिपार्टमेंट को लेके कि यहाँ पर जो है प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाए, प्रॉपर एक यहाँ पर बनाया जाए, ताकि जो और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं इनसे भी हम पूछेंगे आखिर किस तरह की मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर हो रही है। सर आपका नाम? सर तारिक हुसैन। तारिक जी, आप क्या कहना चाहोगे मैग्नेटाइजेशन को लेके जो अभी डोडा घाट रोड पे हो रही है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अच्छा काम चल रहा है, कि बड़े सालों के बाद हमने देखा इधर, मतलब कि जब मेरी जितनी उम्र है मैंने जिंदगी में पहली बार देखी ऐसी रोड इधर से। रोड अभी भी हमें जो है पॉट्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, खड्डे यानी इस पर जो है अभी शुरू में दिख रहे हैं हमें, तो क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे हमने देखना है, इसको अच्छी तरह से डालनी है, इनको बंद करना है, इसको अच्छे से नहीं, मैग्नेटाइजेशन तो डाली यहाँ पर लेकिन फिर भी जो है खड्डे बन चुके हैं इसमें, इनको दोबारा से डालना है इसके ऊपर, दोबारा अच्छी तरह से। तो उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम की भी हालत अभी खराब है, अभी ड्रेन भी नहीं बनाई है तो फिर से उठ जाएगा इसको, उधर से भी पानी आ रहा है, उधर भी खड्डे है, उधर अच्छा आगे भी अभी खड्डे हैं यहाँ पे, तो उधर से भी सारी उठ गई है उधर से। तो आप क्या कहना चाहोगे डिपार्टमेंट को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से डाले, जब डालनी है तो अच्छी तरह से डाले। तो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं लोगों का क्या कहना है, जो भी काम आप यहाँ पर कर रहे हैं प्रॉपर अच्छे से करें, और जितना भी काम अभी तक किया है थोड़ा बहुत लगभग हमें भी ठीक ही लग रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में ही बारिश यहाँ पर आई और बारिश की वजह से जो है खड्डे यहाँ पर पड़ना जो है शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं डिपार्टमेंट से। और उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से बनाया तो जा रहा था, लेकिन अब इस पर अलग और टेंडर निकलेगा जिसकी वजह से ये जो है ड्रेनेज सिस्टम बाद में बनाया जाएगा, जिस पे फिर से जो है रोड की जो है तबाही होगी। अब शुरुआत में ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए था या रोड बननी चाहिए थी, ये सवाल था हमारा आरएनबी को लेके, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं इस जो मैग्नेटाइजेशन अभी यहाँ पर हो रही है तो प्रॉपर हो, और पूरे डोडा घाट तक जितनी भी मैग्नेटाइजेशन हुई है प्रॉपर होनी चाहिए ताकि कुछ सालों तक यहाँ पर ये टिके। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।